राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर माँ पीताम्बरा 108 कुंडलीय महायज्ञ समिति के सानिध्य यज्ञ अध्यक्ष योगी राकेश नाथ के मार्गदर्शन में माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा गुप्त नवरात्रि से महानंदा नवरात्रि तक उपासना स्थल निकट झूलेलाल वाटिका गोमती तट लखनऊ में महायज्ञ का आयोजन होना है आज, जिसके प्रचार का शुभारंभ कार्यक्रम था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बेबी रानी मौर्य कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के कर कमलों से पीली झंडी दिखा करके किया गया। यह यज्ञ राष्ट्रीय सुरक्षा व लोक कल्याण के लिए वैश्विक महामारी कोरोना का समूल नाश के संकल्प के लिए किया जा रहा है, उन सभी पुण्यात्माओं के शांति के लिए जो इस महामारी के समय निधन हो गया, उनकी आत्मा की शांति के लिए महायज्ञ किया जा रहा है। महामारी से इस प्रदूषित वातावरण को स्वच्छ करने और ऑक्सीजन वातावरण में उत्पन्न करने, वैश्विक आपदा कोरोना के बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, सनातन धर्म सरमता गोवंश संवर्ष के लिए जन कल्याण लोक कल्याण समाज कल्याण और सभी सांसारिक एवं मांगलिक कल्याण हेतु यह यज्ञ हो रहा है। कन्हन जी का जन्म दिवस है और इस अवसर पर माँ पीताम्बरा माई का 108 कुंडलीय यज्ञ होने जा रहा है। ये हमारे देश के लिए, भारत के लिए एक शुभ संकेत है कि हम माँ पीताम्बरा को भी याद कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी, जो अखंड भारत का उनका सपना था, इस तरह हम पूरे उत्तर प्रदेश को इससे जोड़ेंगे। और भी शहरों से जो भी आएगा, जो भी भारत से आएगा, वो यहाँ यज्ञ करेगा और यज्ञ के माध्यम से जो भी नकारात्मक जो वो है शक्ति है, वो उसका समापन होगा। एक ऊर्जा के साथ, एक नए साल में नई ऊर्जा के साथ सभी युवा खड़े होकर इस देश के उन्नति के लिए और भविष्य के लिए काम करेंगे। इसके अलावा मैम बताया जा रहा था तो शुद्ध होगा, आजकल युवाओं का भी मन मस्तिष्क शुद्ध रहे, इसके लिए भी बहुत आवश्यक है। मैम कोरोना महामारी को देखते हुए भी हम तो कहीं ईश्वर करे वो अब ना आए। माँ पीताम्बरा से ये प्रार्थना करेंगे कि अब ये बीमारी ना आए, लेकिन हम पहले ही 108 कुंडलीय यज्ञ करके उस बीमारी को भी यहाँ से भगाने का प्रयास कर रहे हैं। सुशोषित पल्लवित पुष्पित होने के लिए इस यज्ञ का आयोजन किया गया जी। कितने कुंड बनवाए जा रहे हैं और क्या लगता है कि किस तरीके से लोगों को इसका लाभ मिलेगा? 108 कुंड बनाए जा रहे हैं जी। 108 कुंड में हनन करने वाले लोगों को उसका लाभ मिलेगा। जो आज ये कोरोना महामारी पूरे देश और विश्व को खा रही है, उससे तमाम तरीके के बैक्टीरिया सब मर जाएंगे, पर्यावरण बिल्कुल संतुलित और स्वच्छ हो जाएगा, जिससे लोगों का स्वास्थ्य बढ़ेगा, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, तो ये लोगों को लाभ होगा। अच्छा महाराज जी, बदला जिस तरीके से समाज बदल रहा है, मॉडर्न हो रहा है, पहले घरों में यज्ञ होते थे, आज के समय में लगता है आपको कि कहीं ना कहीं से लोगों को इसके लिए जागरूक होना होगा, क्योंकि कई तरीके के साइंटिफिक रीज़न भी हैं। हाईकोर्ट ने भी एक बात बोली थी कि गाय का जो घी होता है उसको कराने से बारिश होती है, समृद्धि आती है, आपका क्या कहना है इस पर? आप ठीक कहते हैं, लेकिन हम लोग धार्मिक संरचना के व्यक्ति हैं जी। हमको हमारा ये फंडामेंटल राइट है, हमें ना ये सुप्रीम कोर्ट कर सकता, ना हाई कोर्ट कर सकता जी, ना उसके ये अधिकार क्षेत्र की बात जी, हम उससे परे की वस्तु हैं जी। तो हाई कोर्ट क्या कहता है ये कोई माने नहीं रखता जी। वो राजनीतिक सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में तो माने है, लेकिन मैं श्वास सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लूंगा ऐसा संभव नहीं, या आपको हाई कोर्ट आदेश देगी कि आप श्वास लेंगे ऐसा संभव नहीं जी। इसलिए उस क्षेत्र में आपको जाना चाहिए कि जहाँ से आपको ये जानकारियाँ मिलनी है और जहाँ तक आप उसके प्रतिबंध में रह सकते हैं। तो इसलिए समाज का प्रत्येक व्यक्ति ही नहीं, आज का थे पहले सतयुग सब योगी विज्ञानी, ये हम नहीं कहते, शास्त्र आपका कहता है, संसार में जितने वैज्ञानिक थे सब योगी थे, और उन्हीं के द्वारा खोजी गई यह यज्ञ विधि है जो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। आज तक इसका विकल्प विश्व के किसी भी वैज्ञानिक संस्थान के पास नहीं है। इससे वर्षा भी होती है, स्वास्थ्य भी संरक्षित होता है, प्रकृति के खाद्य सामग्री उत्पन्न करने वाली यह भूधरा भी स्वच्छ और सुदृढ़ हो जाती है, मानव के तमाम तरीके के मनोविकार शांत हो जाते हैं। इसलिए इस यज्ञ का आयोजन किया गया कि राष्ट्र की सुरक्षा हो, गौ का संवर्धन हो, मनुष्यों के तमाम तरीके के जो तरंगें
प्रभावित करती हैं और वो प्रदूषित मानसिकता का हो जाता है, उस पर भी रोक लगाया जा सके, यज्ञ के माध्यम से पुण्य के भागी भी बने जिससे चारित्रिक निर्माण भी हो सके। महाराज जी, कहाँ कहाँ से लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? जिस तरीके से भी आपने प्रचार वाहन को एक झंडी दिखाई है, कितने दिन तक आयोजित रहने वाला है ये तो 22 तारीख से 30 तारीख तक, यानी 22 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक जी आने की जो बात है वो कहाँ तक के लोग आ जाएंगे इस पे कहा नहीं जा सकता जी, क्योंकि सभी भारतवासी ही सब जो है वो धार्मिक वृत्ति के, और कब कहाँ से कौन आ जाए, इस धर्म में शामिल हो जाए, पुण्य का भागी हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता। मैं तो मानता हूँ कि भारत के प्रत्येक जिलों के लोग यहाँ होंगे तक है, और इसमें कहाँ कहाँ के लोग शामिल हो रहे हैं, कितनी संख्या में लोग रहेंगे? माँ पीताम्बरा का आगमन लखनऊ में 17 तारीख को हो रहा है, 17 जनवरी को, और इसमें बहुत सारे लोग, हमारा तो अंदाजा है कि लखनऊ का प्रत्येक वासी शामिल होगा इसमें, क्योंकि माँ पीताम्बरा जो है वो श्री और सत्य की देवी, विजय प्राप्त देने वाली है, कौन उससे वंचित रहना चाहेगा, मेरे हिसाब से तो सभी लोग शामिल होंगे। चैनल देशपर्दन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।